गजा पर इसराइल की फौज की वहशियाना बमबारी का दावा। दिन फलस्तीनी अराजी पर कब्जे का शैतानी मंसूबा। जमीनी कार्रवाई के लिए 3 लाख इसराइली फौजी गजा की सरहद पर मौजूद। टैंक और जदीद जंगी सामान पहुंचा दिया गया। नेतन्याहू की जंग का अगला मरहला शुरू करने की धमकी। दखल मकानी करने वाले बेहतर शहरियों पर बमों की बारिश। एक दिन में 400 से ज्यादा बेगुनाह शहीद। मजमू तादाद 2215 हो गई। 700 बच्चे भी शामिल। हजारों अफराद जख्मी। अलशिफा अस्पताल के बाहर शहरियों के जज्बाती नारे। गजा नहीं छोड़ेंगे। सहूदी फौज का डट कर मुकाबला करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का बयान। अलकासिम ब्रिगेड ने खंदकों से निकलकर टैंकों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। दूसरी वीडियो में एंटी आर्मर और यासीन मिसाइल देखे जा सकते हैं। गजा में घुसने की सूरत में इजरायली फौज को सबक सिखाने का इंतबाह। दुनिया भर में निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। पिशावर में हजारों अफराद का अल-कुद्स की आजादी का आजम। सेंट्रल लंदन में भी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। बीबीसी हेडक्वार्टर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। दीगर बरतानवी शहरों में भी रैलियां। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। न्यूयॉर्क, फ्लोरेंस, मिस्र, कतर और भारत में भी मुजाहरे। फ्रांस में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली पर पुलिस का धावा। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका के सदर का काबीदार का कैमरा। फलस्तीनी परचम के साथ एहतजाज। मुसलसल मुहासरा। गजा इंसानी जेल बन गया। अद्वियात नापैद। खुराक खत्म। पानी और बिजली बंद। ईंधन की भी किल्लत। लाशों के अंबार। जख्मियों की चीखों पुकार। अस्पताल भर गए। मुद्दा खानों में गुंजाइश खत्म। आइसक्रीम ट्रक कोल्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। बेटी की सालगिरह पर बेटी की शहादत पर केक बनाने वाला बाप गम से निढाल। इंसानी अलविया। आलमी अम्न के ठेकेदारों के मुंह पर तमाशा। लाइव कवरेज के दौरान खातून रिपोर्टर रो पड़ी। हालात बताते अरब टीवी का मेजबान जज्बात पर काबू न रख सका। कैबिनेट वजीर आजम का गजा की पट्टी में संगीन इंसानी अलविया पर गहरी तश्वीश का इजहार। शहरियों के लिए बिला रोक टोक इमदादी कॉरिडोर जरूरी करार। $10 बिलियन इमदाद का ऐलान। शहरियों, सहाफियों और इमदादी कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा के बॉर्डर पर शहरियों की इमदाद के लिए ट्रकों और टैंकों की लंबी कतारें लग गई। फलस्तीनियों के हक में क्यों आवाज उठाई। अमरीकी मीडिया का दोहरा बयान। अमरीकी टीवी ने 3 मुसलमान एंकर्स को हटा दिया। मुअत्तल होने वालों में मेहदी हसन, अहमद मुहियुद्दीन और अली वेलशी शामिल। सीएनएन की सारा सडन्स ने इजरायली दावों की तायद पर माजरत कर ली। ये समझता है कि हम इनको हेराफेरी के साथ 5 मिनट से बाहर रख लेंगे। मैं अभी से ऐलान करता हूं कि तुम हमें 5 मिनट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें 5 मिनट से बाहर रखेंगे। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी है। हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पिशावर में ललकार। कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, पीटीआई ने सब कुछ तबाह कर दिया। पीडीएम ने दिवालिया होने से बचा लिया। नॉर्थ कराची में खेल से रोकने पर 11 साल बच्चे की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक खबात को उसकी मां ने खेलने से मना किया था, वो गुस्से में आ गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। अहमदाबाद में बल्लेबाजों की मायूस खुद कारकर्दगी। पाकिस्तान को भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त। वनडे वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ से हारने की तारीख न बदली। कौमी टीम 50 ओवर भी पूरे न खेल सकी। तमाम खिलाड़ियों के 191 पर ही पवेलियन वापसी। बाबर आजम के आउट होते ही तू चल मैं आया की रविश। 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गिर गई। 6 तो डबल फिगर में भी ना पहुंचे। इंडिया टीम ने हदफ 31वें ओवर में 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। हिंदुस्तानी हुजूम का छोटापन। लोग नाजेबा जुमले कसते रहे। अचानक लाइन लगना आड़े आ गया। 280 से 290 तक टारगेट देना चाहिए था, हमने अच्छा टोटल नहीं बनाया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बॉलर देवी तवक्कात के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखाई।